नीतीश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। बिहार में 12 जिलों के जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आईएएस अधिकारी मिथिलेश मिश्र को मध्याह्न भोजन से हटाकर लखीसराय का नया डीएम बनाया गया है। वहीं अरवल की जिलाधिकारी वर्षा सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं दरभंगा के नगर आयुक्त कुमार गौरव को अरवल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। रोहतास के डीएम नवीन कुमार को अब राज्य परिवहन आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है। पटना के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया को आरा का डीएम बनाया गया है। नालंदा की बस्तोबस्त पदाधिकारी उदिता सिंह को रोहतास का डीएम बनाया गया है। वहीं बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर का नया डीएम बनाया गया है। पशुपालन विभाग के निदेशक तरनजोत सिंह को मधेपुरा का डीएम बनाया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त विशाल राज को किशनगंज का डीएम, नगर विकास में संयुक्त सचिव आरिफ एहसास को शेखपुरा का डीएम, उद्योग विभाग के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय को शिवहार का डीएम, एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक अनिल कुमार को अररिया का डीएम, वहीं गया के नगर आयुक्त अभिलाष शर्मा को जमुई का डीएम बनाया गया है। उदिता सिंह को रोहतास जिले का डीएम बनाया गया है। समस्तीपुर के डीएम योगेंद्र सिंह को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त प्रभार भी इसमें रहेंगे। नगर विकास विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार यादव को श्रम संसाधन विभाग के अपर सचिव बनाया गया है। अपर निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा को पंचायती राज विभाग का निदेशक बनाया गया है। वहीं आईएएस अधिकारी मोहम्मद नैयर इकबाल को खान विभाग से स्थानांतरित करते हुए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अररिया की डीएम रही इनायत खान को निबंधन सहयोग समिति पटना में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं सासाराम के डीएम नवीन कुमार को राज्य परिवहन आयुक्त बनाया गया है। अररिया की डीएम इनायत खान को सहयोग समितियों के निबंधक की जिम्मेदारियां दी गई है। समस्तीपुर के डीएम योगेंद्र सिंह को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे संजय कुमार को अपर संयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं शिवहर के उप विकास आयुक्त अतुल कुमार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का प्रशासक बनाया गया है। शेखपुरा की जिलाधिकारी को प्रियदर्शनी को निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप के पद पर पदस्थापित किया गया है। बता दें आरा के डीएम राजकुमार को कम्फेड का प्रबंधक निदेशक पटना बनाया गया है, जबकि पंकज कुमार को शिवहर के डीएम पद से हटाकर प्राथमिक शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश कुमार को जमुई के डीएम पद से हटाकर चकबंदी विभाग का निदेशक बनाया गया है। वही कुमार मंगलम को कटिहार नगर निगम से नगर आयुक्त पद से हटाकर अब पूर्णिया का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।